झुला दिया। चलिए देखिए, हम बताए हैं त्रिकोणमिति का छह गो अनुपातिक नाम होता है ना जी, साइन कॉस टेन। तो हम लोग समझते हैं, पहले हम लोग फार्मूला निकालना सीखेंगे ना जी, देख लेना। तो इसमें जो है साइन की पत्नी कौन है, कॉस, टेन का कॉट, सेक का कॉसेक। अरे रियल में नहीं है, सिर्फ खाली समझना। अब देख लो, पहले तो सच बात देखो, अब तोरा मन माता हो अक्सर जी, इससे ये अगर इसकी पत्नी है, इसका ही पत्नी है, इसका ही पत्नी है, तो ये सब के है, ये सब भाई है, ये तीनों गोतनी है, ठीक है ना जी। अब समझना है कि गांव घर में नहीं देखते हैं लोग, तनी मनी गड़बड़ो हो जाता है, होता है कि नहीं होता जी। हाँ, तो ये जो है साइन का गड़बड़ रिलेशन किससे है जी, इसको पता चला, इसको कहा भाई हमारे जो श्रीमान है गड़बड़ है, तो हम भी तनी गड़बड़ा लेते हैं, तो शेख का गड़बड़ किससे है, समझ रहे जी। तो मैंने इधर भाभी से बुझ रहे हैं, भाभी से गति मतलब, भाभी से मतलब बातचीत, बातचीत हो रहा है, समझा करो यार, माशाल्लाह संवाद होता। साइन का अब बीच में तोरा मन माता हुआ सर जी, एक का है लिखे, मान लीजिए किसी आदमी से भेंट करने जाइएगा, अपन आदमी रहे तो ठीक, ज्यादा गलत आदमी से भेंट करने जाएगा तो महीना में, सप्ताह में एक बार या महीना में एक बार, ये महीना में एक बार, ठीक है ना जी। अब देखिए इसका हम लोग फार्मूला लिखना सीखेंगे, अब इससे कैसे फार्मूला निकलेगा से समझते। पहला है टाइप वन, क्या है नुनू, टाइप वन। देखिए फार्मूला याद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ खाली याद रखना, कन्हू से चलेंगे। चलो देखो, जैसे लिख दिए साइन थीटा, लिख दिया नुनू, अब बताओ साइन, यहाँ इसको फार्मूला का नाम लिख सकते हैं गड़बड़ फार्मूला, वैसे आप समझ सकते हैं, याद रखने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि जब गड़बड़े होता है सिर्फ याद रखने। साइन का वन बटे क्या होगा, कोसेक, होगा ना जी, यस सर, देख रहे हैं ना, यस सर, देख रहे हैं विनोद, वन बटे कोसेक होगा ना जी, यस सर। कॉस का क्या होगा, वन बाई सेक, कॉस थीटा बराबर वन बाई सेक थीटा होगा ना रे, यस सर। कॉट का बोलिए तो वन बाई टेन थीटा, कॉट का क्या होगा, वन बाई टेन थीटा, वन बाई टेन थीटा होगा ना जी, यस सर। बहुत बढ़िया, खूब सुनर, कॉसेक थीटा बोलिए, वन बाई साइन थीटा, वन बाई साइन थीटा, क्या बोले, वन बाई साइन थीटा, वन बाई साइन थीटा, साइन थीटा। चलिए असेक थीटा का लिखेंगे तो वन बाई कॉस थीटा, क्या होगा रे, वन बाई कॉस थीटा, वन बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा, खूब बढ़िया, यस सर। अनुनु टेन थीटा को बोल दीजिए, वन बाई कॉट, वन बाई कॉट, कॉट थीटा। याद रखिएगा पूरे त्रिकोणमिति में हम पति पत्नी में, अच्छा एक बात बताओ, सच सच बोलो तुम लोग, मान लो कि किसी के घर में, मान लो तुम राजा है, मान लीजिए आप राजा है, और मान लीजिएगा है नहीं, हाँ, और आप मान लीजिए कि हमारी रानी भी होगी, आपकी कर्मचारियों होगी, हाँ, तो सुनिए, मान लो कि फूलवतिया और फूल कुमारी दोनों बहिन, जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, रिश्तेदार सब जो है खाली झगड़ा लगा के छोड़े, अब हुआ क्या कि हम लोग बचपन में दो बार साथ हुआ, बचपन में क्या हुआ था हम लोग के साथ भी, तू लोग के साथ भी होगा, हमारी हम और हमारी बहन है वो एज एक बराबर उम्र के, मतलब साले दो साल फर्क है, तो क्या हुआ उसमें जानते हैं, वो क्या करती है, ए मामू आए 100 रुपया दे दे दीदी, अब झूठों को मार हो गया,
अब बताइए रिश्तेदार खाली झगड़ा लगा था वो दो दोनों ले लिया 50-50 भाई बहन जैसे से लो ली अब ले लिया हमको देवे नहीं करती अब बता वो रिश्तेदार खाली झगड़े लगा था नहीं आपको लेना लेने अलग बात है अब जैसे मान लीजिए वो लड़की है अब वो लड़की है अपना घरे में खाना नहीं देता कि भाई तले तले ठोक देती है हमरा आर के क्या दा दिए थे ससी मामा 500 रुपया दिए थे एगो एगो भाई अरे बुझ गए तोर खानदान अमीर अच्छा चली हमर खानदान अमीर मान लो कि दोनों में झगड़ा हुआ खूब झटम झट्टी हुआ मैंने सीत युद्ध हुआ ई पहुंच गया पंचायत में ई क्या की फूल कुमारी रानी को कही कहे रानी जी मैंने राजा की पत्नी है रानी जी से चलो हमरा पंचायती कर देवे ई गई कहा राजा का हम तू रानी को बोले हम राजा को बुला ले राजा को बुला ली अब सच सच बोलो हाँ। पंचायती में ई भी पहुंचल ई भी पहुंचल है हाँ। बता ई दोनों को फैसला के देगा कोई नहीं लगा इसे कोई देगा जी इकरे दोनों मार होगा जी तो अच्छा बताओ इसमें से किसी एक को तो कम करना पड़ेगा ना वैसा ही अब क्या होता है कि अगर पति का पावर है तो पत्नी को डाउन होना पड़ेगा ना और पत्नी को पावर है तो पति को डाउन होना पड़ेगा परिवार चल लिया ना तो मार होगा ना जी अब बताइए अब जैसे मान लीजिए कि पति का पावर अगर 100% है तो पत्नी का पावर बढ़ाने के लिए 90% पावर बढ़ा टाइप 2 में उन्होंने समझ लो टाइप 2 पति पत्नी का झगड़ा है टाइप 2 में साइन है साइन इसको बोलते हैं साइन थीटा अब इसकी पत्नी आएगी ना सामने सामने डायरेक्ट देखो पहले देखो समझने वाले पहले इना 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 चले चले है ना अब चलेंगे डायरेक्ट पति पत्नी पहले चले गड़बड़ वैसे भी बुरा बुरी है कि गड़बड़ नहीं करता है हर हमेशा पूरे क्रिकेट बीटी पे सबसे अच्छा यही दोनों यस सर बुढ़ा बुढ़िया ये कब उठा पटक कर देगा कुछ पता नहीं लगेगा लेकिन ये बदल के इसमें ये बदल के इसमें हाँ लेकिन ध्यान देने वाली बात है सिंपल बात हाँ कहाँ रहे रहने गया क्या अब देखिए साइन की पत्नी कौन है कौस देंगे अब कौस को पावर दे रहे थे 90 माइनस थीटा पावर किसको दे दिए जी कौस को दिए ना जी सर अगर मान लो कि कौस से पावर छीनेंगे तो क्या करेंगे कौस को यहाँ लिखेंगे यस सर 90 माइनस थीटा ठीक है नोनू यस सर टेन का बोलो कोट 90 माइनस थीटा जी यस सर कोट का क्या होगा तो फिर 90 माइनस थीटा सेक का बोलिए कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा नूनू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा खोपड़िया में जा रहा है कि नहीं यस सर अब बताइए कोसेक 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा अच्छा बताइए ये 6 लिख दिए अब ये फार्मूला याद करने की जरूरत है नो सर खाली याद रखना कि सर जी बताएं पहला टाइप है गड़बड़ वाला गड़बड़ क्या करता है तो बेचारा अपना पत्नी छोड़ के दुनिया ही ना घूर जाता है समझ रहे ना यही बेचारा शुद्ध गाय है इसका तो हो गया फिर पति पत्नी में 90 डिग्री है कि नहीं है 90 डिग्री का खेल बेल का ये टोटल फार्मूला आपको आ जाएगा नूनू कोई दिक्कत नहीं है अब इसको हम लोग मिटा देते हैं टाइप 3 में आते हैं सर रुक जाइए इसको मिटा देना चलिए आइए मिटा आप लोग प्रिंटर में लाइन देना रहिए नहीं तो दिक्कत सर जी हमर से दे लिया छोटा छोटा आगे नहीं दे खुशी बोलती है जिंदा तब तक लाइन जिंदा है तब तक लाइन है किसको लिखते रहे को मिटा दे जिंदा है प्रिंटर में लाइन अच्छा चलिए टाइप 3 में समझते हैं इसमें से तुम लोग एक बात बताओ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं क्या सर एंटी घड़ी का दिशा और घड़ी का विपरीत दिशा मतलब घड़ी अगर एना एना चलता है ना यस सर इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज क्या बोलते हैं रे क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अगर अगर
हम लोग इसको एना लिख मतलब ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे, घड़ी का विपरीत दिशा हो जाएगा ना। yes, उसको बोलते हैं आंटी पुलिस बुला लेगी ना, आंटी क्लॉक वाइज, आंटी क्लॉक हो गए ना। हम लोग अभी चलेंगे क्लॉक वाइज, कौन वाइज जी, क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज, खाली याद रखिए ना, सो गया। चलो क्लॉक वाइज माने घड़ी की दिशा में एना चिन्ह बना देते, तोरा समझ में एना एना चल, ठीक है रे। इसको मिटा दे रहे हो, और ध्यान दो कितना दम माहौल है। कल सुना तू लोग एक बार और बोले पगला है नोमा वाला सुन, उसको कह रे कहे थे होमवर्क बना के लाने, होमवर्क बना के नहीं लाया, कहा क्या हुआ रे, कहा सर पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब वो तो बुझे रहेगा, फिर क्या बोलेगा उससे, पेट में दर्द हो रहा है सर, और तो हम सर मीठा मीठा दर्द हो रहा है। अरे गाना में दर्द तो कमर में होता है, मीठा मीठा तो पेट में कैसे हो। यस सर, कौन गाना है, अथी नहीं बोले बड़ा बला सर जी हमें दोसर बारिश लग रहे थे। अरे इसको देखो साइन लिखेंगे ना, साइन थीटा, हल्ला नहीं करो, घड़ी की दिशा हम चलेंगे ना। यस yes, सर, इधर से चलेंगे, साइन यहाँ लिख दिए। यस सर, इसका अगला दुग देखो, इसका मिटा दो, कॉस बाय कॉट थीटा, आगे भाग रहे हैं, नहीं उसका दुग चलेंगे तो ही हो। चलो कॉस थीटा बाय क्या होगा रे, कॉस बाय कॉस थीटा बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा होगा ना। यस सर, अब जैसे ई लिखेंगे तो इसका अगला दुग लिखेंगे ना। यस सर, तो कॉस थीटा बटे क्या लिखे, कॉट थीटा बटे कॉस थीटा होगा ना। यस सर, कॉस थीटा, कोई डाउट? नो सर। अगर कॉट लिखे तो कोसेक बाय सेक थीटा, कोसेक बाय सेक, कोसेक बाय कोसेक, कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, सेक थीटा है ना रे। यस सर, अब कोसेक लिखेंगे तो सेक बाय टेन थीटा, सेक थीटा बाय टेन थीटा, इसका अगला दो लिखेंगे नहीं है। यस सर, सेक थीटा बटे टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा बाय थीटा, कोई डाउट नहीं? नो सर, आगे बोलते हैं दोनों सेक थीटा, बोलो तो 10 बाय sin थीटा, sin थीटा बटे sin थीटा, sin थीटा, sin थीटा, और उसका 10 थीटा का sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा, बात समझ में आया? यस सर, लेकिन नुनु जो फार्मूला है इसका उपयोग बहुत कम होता है दशमा में, और ये फार्मूला सबसे इंपोर्टेंट है, घेर लेना सर, ये सर जी सेक में कॉट वो नहीं होगा, ये हो गया ना। अब चलते हैं हम अगला टाइप में, टाइप फोर, टाइप जो है फोर, ठीक है नुनु, इसको कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज, घड़ी का विपरीत दिशा में, समझी नुनु, घड़ी का कांटा चलता है ना टिक टिक करके, ओकरा विपरीत दिशा में चलना। चलिए अब खुशी खड़ा हो जाओ, खुशी खड़ा खड़ा हो गए सर जी, विपरीतों में चलेंगे तो कैसे, नुनु बताओ। अरे अगर cos थीटा है तो इसका विपरीत चलेंगे तो क्या लिखेंगे, cos थीटा और sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा, हां बटे sin थीटा, cos थीटा क्या लिखेंगे, cos बटे sin, cos थीटा बटे sin थीटा, बटे sin थीटा, कोई डाउट? नो सर, अब बता cos थीटा बटे sin थीटा बटे tan थीटा भगवान जी। यस सर, यस सर, sin थीटा बटे tan थीटा, कोई डाउट नहीं? नो सर, और sin थीटा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, tan थीटा बाय sec थीटा, क्या लिखेंगे, tan थीटा बाय sec थीटा, tan थीटा बटे sec थीटा, कोई डाउट? नो सर, अब बताइए tan का क्या होगा नुनु, sec थीटा बाय cos थीटा, sec थीटा बटे cos थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है जी। यस सर, और सेक का क्या होगा, कोसेस बाय कॉट थीटा, सेक थीटा को जाए कोसेक थीटा बाय कॉट कॉट थीटा, कोसेक थीटा बाय कॉट थीटा, अरे गलत लिख दिया,
ठीक है ना। यस सर। अब बचा क्या है? पांच पांच है ना, वो कोसेक बचा। कोसेक बताइए क्या होगा? कॉट थीटा बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट बाय कॉस कॉस थीटा। ठीक है नूनो। यस सर। तीन तीन छह फार्मूला हो गया ना। ये टोटल ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप क्या कीजिए, इसको जल्दी से उतारिए। और कुछ और फार्मूला है जिसको हम लोग याद करें। टाइप थ्री टाइप फोर सर जी, जैसे किसी का आंसर आना है दोनों में से कोनो दे नहीं सकते। और इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला कॉट होगा। कॉट यस ये कॉस बेटा सर। ठीक है एन एस एन बेटा कॉस। अरे उंटल बदमाशी करेगा तो मारबो करेंगे। दो मिनट रुकते नहीं कि बदमाशी शुरू करेगा। कुंदन को प्रॉब्लम सुना है, रहे दो ना, बीमार है तो क्या होगा। बीमार है सर? क्या बीमार है सर जी? वो बीमार है, कुंदन को प्रॉब्लम है, बीमार है। बहुत बढ़िया बढ़िया बीमार है। चुप ना, ज्यादा बोल दिया। क्या बोली? जाए। पांच मिनट जाना? ना। हाँ? घर जाना? कल लाऊं चिकन की। चले। उत्तर दे नहीं उतारा तब कब उतारे? भाई तेरी टीम में मैंने देख रखा है। आप लगता है आज बैठ नहीं रहा। रत्ते में डाला। चले। कुछ टाइप और समझते हैं। अरे नूनू देखो रे। अच्छा इसमें से कितना आदमी को फूल बनाने आता है? फूल बनाने सब एक्सपर्ट है। चलिए देख लीजिए। जैसे देखो अच्छा कमल का फूल बनाने तू लोग एक्सपर्ट होगा ना जी? यस सर। पहले देता था एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन। हाँ सर अभी हम वही करेंगे। और फूल बनाएगा फॉर्मूला याद करेगा, समझ रहे जी? जी सर। हाँ इन्हें पूछिएगा कि हम बोर्ड पर निकाल नून वो देखो रे है ना, ऐसे ही बना ले फोटो रे। यस सर। ऐसे ही ना? जी सर। अच्छा बताओ सर, सर यहाँ क्या लिखा हुआ? साइन थीटा। यहाँ क्या लिखा हुआ? कॉस थीटा। यहाँ क्या लिखा हुआ? कॉट थीटा। यहाँ क्या लिखा हुआ? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। यहाँ सेक। यहाँ टैन होगा ना? यस सर। चलिए यहाँ एक दे देते हैं, ठीक है ना जी? जी सर। हाँ देखो फूल केना बनाएंगे, एकरा एकरा एना करके मिला दे फूल। देखो लेडीज पर्स हो गया ना जी? यस सर। ये लाख वाला गोल जी उसी पर्स कहूं भागने जा कोई लेख तन में तन समाज लेख रखी है। अरे भागना शब्द का प्रयोग कम किया करो। यस सर। गलत समझ लेते लेके गो आदि ए समझिए इसमें। यस सर। अब नूनू इसमें देखो रे कथी बोलेंगे बना ना जी? देखिए फिर कैसे बनेगा आपको, देखिए ऐसे बना दीजिए, देख रहे हैं? और फिर आपको खूब बढ़िया लगे तो ऐसे बना दीजिए। देखिए तो कहना बढ़िया डिजाइन हो गया। डिजाइन हो गया नहीं ये फार्मूला हो जाए। तुमको लगने से क्या फर्क, फार्मूला उतारो चुके। यस सर। मर्सिडीज को साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टू आर। देखिए ऐसे याद रखो साइन स्क्वायर थीटा पर कॉस का देखिए कहां मिल रहा है, एक तो मिला है। याद रखिएगा वैसे इसका फार्मूला बताया है, लड़की लोग के लिए स्पेशल फार्मूला है ना जी? यस सर। हाथ से छोटा बर्तन किया टन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बढ़िया है ना जी? यस सर। अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वन प्लस वैसे फार्मूला को ऐसे लिख सकते हैं आगे एन एन को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस थीटा
cot square theta is equal to 1. Bhagwan ji, इधर से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? sec square theta minus tan square theta is equal to 1. होता है जी? Yes sir. इन्होंने तीन वो फार्मूला होता है. इस फार्मूला से बहुत सारा फार्मूला बन सकता है. आप कहेगा सर क्या बन सकता है तो देख लीजिए. साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कोई नहीं रहे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. हो ही जी? यस सर. होगा ना? यस सर. और हो सकता है? यस सर. कॉस ने लिख दीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है ना नोनो? जी सर. चलिए खूब बढ़िया. इतना बात समझ में आया? यस सर. इसको भी चेंज कर सकते हैं तो लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा नुनु? कॉट स्क्वायर थीटा. इसको सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं नुनु? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. होगा जी? जी सर. ये सब का फार्मूला लिख दिए हैं. ये सब इस मेन फार्मूला ये है. यस सर. ये है और ये है, इसी का ही रूप है आगे. इसको भी सर उल्टा करके लिख सकते? हाँ हाँ हाँ, कर सकते, सब कुछ कर सकते. लेकिन ध्यान रखिएगा प्लस माइनस का निशान सही ज्यादा, लेकिन साइने वाला का होता उपयोग ये दोनों को. इस सबसे ज्यादा इसका उपयोग है. ये दोनों का स्पेशल केस में उपयोग होता है. अभी जो आपको चैप्टर में दिया हुआ, इससे ये हो गया कि आप 30 35 40 जो भी फार्मूला था उसको आप समझ चुके हैं. ठीक है जी? समझे ना जी? इसको उतारते रहिएगा. छोटा सा एक और इस पे बात बता देते हैं जिसको समझने वाली बात है. कलम का ढक्कन लगाते पहले अभी फार्मूले चलेगा तो फार्मूले बता दे रहे हैं. अच्छा सच सच बोलो. ये देखिए ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज. एक कोण 90 डिग्री होता है, समझ रहे हैं जी? जी सर. और देखिए यहाँ पे कोण बनेगा था थीटा. ठीक है, इसका नाम तो देने में आप लोग एक्सपर्ट हैं. ए बी सी. ठीक है जी? इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? कर्ण. इसको क्या बोलते हैं? जैन बोलते हैं जी? यस सर. हम बताए थे पाइथागोरस का तीन गो बेटा, कर्ण, लंब और आधार. लेकिन उकरा दहेज में चाही, समझ रहे हैं ना? यस सर. बड़का बेटा को क्या मिला था दहेज में? हीरो होंडा. इसको क्या मिला था जी? इसको क्या मिला था? बुलेट. इसको मिला पल्सर, इसको मिला हीरो होंडा, इसको मिला बुलेट. तब जाएगा ससुराल तो कहेगा बुलेट पर जी जा. सही का बुलेट नहीं कहते, रॉयल एनफील्ड कहते. हो गया रहे तो बुलेट. ई पगला को बताओ, तुम लोग जो देखता है जेसीबी, उसका सही नाम जेसीबी नहीं है, वो एक ब्रांड है. यस सर, जानते हैं. उसको अर्थ रिमूवर कहते हैं. कहियो बोला है? कहेगा जेसीबी से एकदम एक ऐसा राक्षस पहले हमारा गाँव में आया था. हम नहीं बोलते, सब लोग भीड़ लगे ना था, जेसीबी चलेगा. कहेगा कि बाप रे बाप, है ना, बकोटता है, उठा के फेंक देता है. क्या बोलते हैं जी पहले जमाना सर? एक दिन हमने बच गया नहीं तो हमने फेंक रहा था. बहुत सही बात है. हमने एक गंदगी साफ हो जाता, तू गंदगी. साइन थीटा, उसके बाद होएगा कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा. समझ लीजिए, साइन थीटा पी बटे एच होता है ना? यस सर. इसका मतलब बी बटे बी बटे एच. इसको क्या बोलते हैं? बी बटे बी बटे बी बोलते हैं जी? यस सर. ठीक है, रेडू नो. टैन का पत्नी कौन होता है? कॉट होता है ना जी? यस सर. कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा लिख दीजिए, बी बटे बी. अच्छा एक बात बताइए, उल्टा लिखने का मेन मकसद है कि अगर पति को खोजने आए और पति नहीं रहे तो पत्नी भी इसका हिसाब किताब कर सकती है. मैंने हिसाब किताब मैंने लाइत मुकाने लगाई हिसाब किताब. बताइए कॉस का गड़बड़ में कौन है जी? सेक. है ना? यस सर. है कि नहीं है जी? यस सर. एच बाय बी. पी होगा एच बाय बी ना? यस सर. बहुत बढ़िया. साइन का गड़बड़ कौन है? कॉसेक. कॉसेक थीटा क्या होगा जी? एच बाय पी. पी बाय एच बाय पी होगा ना? कोई डाउट? नो सर. इसको याद रखने के लिए बोले थे पाकिस्तान भूखल प्यासल, हिंदुस्तान हरा भरा. साइन का क्या होता है? पी बटे एच होता है जी. और इसका होता है बी बटे एच. इसका होता है पी बाई. हम क्या बोले थे? पाकिस्तान भूखल प्यासल, हिंदुस्तान हरा भरा बोले थे ना? ये किसका फॉर्मूला था? साइन का. इसका कॉस का. ये क्यों होता है जी? टैन का. ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टैन का. ऐसे बहुत सारा देखिएगा मोबाइल वगैरह पर देखते हैं. अनअकैडमी हां, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल, सोना चांदी और तौलिए बैठ के. वैसे सबसे बेस्ट होता है पाकिस्तान को बुराई करने में. पाकिस्तान भूखल प्यासल, हिंदुस्तान हरा भरा होता है ना जी? इसको हम लोग बोलते हैं लम. लॉ
आधार होता है और ये लॉ होता है। इसके बाद ये कर्ण को क क और उसके बाद ये लाल हो जाएगा। हाँ, इसमें लॉ में आ जोड़ेंगे तो ला हो जाएगा, ये लॉ होगा तो लाल, में ये लाल बटे कक्का न जी सर जी के स्क्वायर आ क आ क्वा कर का लाल बटे कक्का आ जाता है तो नहीं याद रखेंगे। यस सर। आ इसमें जुड़ेगा तो मेरे डंडे ला जाएगा जी, सब याद रखिएगा लाल बटे कक्का या पाकिस्तान भूखल पिया सर। ये फार्मूला नुनू याद रखना है, ये फार्मूला में एक और फार्मूला ऐड कर लीजिएगा, याद रखिएगा एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पता नहीं जी। यस सर। पी बराबर का होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता नहीं रे। अब बी बराबर का हो ही रे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, समझ में आया। यस सर। खोपड़ियों में गया होगा। यस सर। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओ ये वाला है।